हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एग्जांपल नंबर 7 को सॉल्व करने वाले हैं। और एग्जांपल नंबर 7 में जो आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको जो मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, 7 को सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है सॉल्व द इक्वेशन गिवन इन एग्जाम्पल 3 बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं इसको, 2x² - 5x + 3। आप इसको क्या करो, आप 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करोगे तो ये 3x² - 5/2x + 3/2 = 0 होगा। अब आपको पता है कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है आपका a² - 2 a b + b² इस तरह से होता है। तो आपको भी इसी फॉर्म में करना है। तो सिंपली अगर आप इसको x² - 2 * x, अब देखो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे जो a है, a तो आपका x है, ठीक है, और यहाँ पे 2ab आपको लिखना है। तो 2 * x तो आपका a हो गया। अब b हमको फाइंड करना है, तो b के लिए हम लोग अगर 5/4 लिखते हैं तो चलेगा। अब देखो इससे इसको काटोगे तो 5/2x ये आ जाएगा। देन b आपका क्या आ गया, b आपका यहाँ से आ गया 5/4। अब जब b 5/4 आया तो यहाँ पे हमको b का स्क्वायर भी तो करना होगा। तो सिंपली 5/4 के यहाँ पे स्क्वायर माइनस 5/4 का होल स्क्वायर प्लस 3 = 0। अब ये मैंने क्यों किया, क्योंकि ये b स्क्वायर है। अब देखो 5/4 का स्क्वायर माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, अगर इस दोनों को माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसी तरीके से बन जाएगा। अब देखो ध्यान से देखो आप एक चीज, ये आपका ए स्क्वायर है माइनस 2 * a * b, और ये आपका बी स्क्वायर है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, x - 5/4 का होल स्क्वायर। ये मैंने सिर्फ आपको मतलब बताया है, ये आप लिखना मत, ठीक है। उसके बाद ये 5/4 का होल स्क्वायर है तो इसको कर लेंगे, इसको 25/16 + 3/2 = 0, ठीक है। उसके बाद x - 5/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो 16 होगा -25, और 16 को 2 से डिवाइड करो तो 8 होगा +24 = 0। अब यहाँ से एक बार एक स्टेप और कर लेते हैं, x - 5/4 - 1/16 होता है, और ये इस साइड जाएगा तो +16 हो जाएगा, ठीक है, मतलब इधर जाएगा तो +1/16 हो जाएगा, और ये आपका स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद देखो x - 5/4 का होल स्क्वायर = 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतने बातें तो आपको भी समझ में आ रहेगी, थोड़ा सा हम लोग इधर कर लेते हैं। और यहाँ पे आप अगर लिखो x - 5/4 = ±1/4, ये हो सकता है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। और एक बार एक स्टेप और कर लेते हैं हम लोग, x = 5/4 + -1/4, ये कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो x के दो वैल्यूज आके, तो दोनों को सॉल्व करो। एक बार सॉल्व करोगे एक्स एक्स तो 5 + 1 ये आएगा, दूसरा बार आपका x - 5 - 1/4, यहाँ से सिंपली 4/4 कितना आ गया, नहीं 6/4 आपका आएगा, दूसरा बार आपका 4/4 जो कि 1 आएगा, और इसको अगर काटोगे आप तो यहाँ पे से सिंपली 3/2 आ जाएगा। तो यही करना था, x के यहाँ पे से कितने वैल्यू आ गए, एक तो आ गया आपका 3/2, दूसरा आपका आ गया 1। यही सिंपली इस क्वेश्चन में फाइंड करना था, जो कि एक्स के वैल्यूज थे आपके, एक 3/2 और एक 1। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जाके ज्वाइन कर सकते हो। वीडियोस के अपडेट के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर टेलीग्राम ऐप में सर्च कर लो @PallavasFilms। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।